बिहार के संवेदनशील जिलों में शुमार भागलपुर में आज सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बड़ा कदम उठाया। इस दौरान भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार समेत कई अधिकारी सड़क पर उतरे। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से भारी पुलिस बल के साथ शहर की प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने पूजा पंडालों का निरीक्षण कर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। भागलपुर शहर की सड़कों पर डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में हुए फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर के रामदास, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी टू राकेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक लाइन संजीव कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह एवं अन्य पदाधिकारी के साथ अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस बल के जवान शामिल रहे। डीएम ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सतर्क है। उन्होंने कहा कि आज के मार्च का उद्देश्य शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देना है। यह कदम शहर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। वही डीएम और एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का घूम घूम कर आकलन किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च के दौरान शहर के कई संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का भी दौरा किया गया। मौके पर एसएसपी आनंद कुमार ने आश्वस्त किया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्व में शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसएसपी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। सबसे पहले मैं समस्त शहरवासियों को, समस्त भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि शहर में प्रशासन की तरफ से जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए थी हम लोगों ने मुहैया कराया है, और ये भी अपील करें कि यदि कहीं कोई कमी है तो हमें वो तुरंत बताएं ताकि हम लोग उसको और दुरुस्त करें। एक आग्रह विशेष रूप से मैं करूँगा कि शहर में गाड़ियों की संख्या उस अनुकूल में वो लिमिटेड रखें। हमने ई रिक्शा की भी व्यवस्था कराई है जो जगह जगह पे उनको दर्शन करा देंगे, और यातायात जितना सुगम रहेगा सभी के लिए बेहतर रहेगा। तो जगह जगह पार्किंग की भी व्यवस्था है, वो अपनी गाड़ी को पार्क करें और दर्शन करें और इस पूजा को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। सर, नाथ नगर का जिक्र करने की पूरी तैयारी है और आज हमारे ओडीएम साहब के द्वारा कचहरी चौक से लेकर नाथ नगर तक का फ्लैग मार्च जो हमारी केंद्रीय बल जो हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके साथ किया जा रहा है, और पूरे शहर को 8 सेक्टर्स में बांट के और मोटरसाइकिल गश्ती की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ 3 दिन पूर्व ही जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी का जो यातायात की योजना है, ट्रैफिक प्लान है, उसको मीडिया से भी मीडिया के द्वारा पब्लिश भी किया गया है, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि किन रास्तों में गाड़ियों की रोक रहेगी। और सभी लोगों से ये अनुरोध है और उनसे अपेक्षा भी है कि प्रशासन को, पुलिस को इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में मदद करें, और जो जो भी जहाँ पे जो बंदिशें लगाई गई हैं उसका अनुपालन करें, ताकि आइए आपके लिए है। और जो कोर एरियाज हैं, जैसा डीएम साहब बोले कि उनके वहाँ पर ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर आपको एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाने में असुविधा नहीं होगी। लेकिन नियमों का पालन करें, जो बंदिशें हैं उनको पालन करें, ताकि आप भी सही समय पर अपने घर पहुँच सकें, बाकी लोग भी सही समय पर अपने घर पहुँच। बिहार
बिहार के वैशाली में दुर्गा पूजा के मद्देनजर विशेष सावधानी बरती जा रही है। वही विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला पदाधिकारी यशपाल मीना एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। इस दौरान महनार SDM और भारी संख्या में पुलिस बलों की उपस्थिति रही। भागलपुर जिले में डेंगू लगातार अपना पांव पसार रहा है। डेंगू के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। बिहार के कई जिलों में डेंगू से मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि भागलपुर में मंगलवार को डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं मायागंज अस्पताल से इलाज के बाद 3 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। इधर मायागंज अस्पताल और कुछ निजी क्लिनिक में डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के अवसर पर भागलपुर जिले के प्रमुख मेलों में शुमार नाथनगर कर्णगढ़ मेला के आयोजन पर अब ग्रहण लगने के आसार नहीं है। बता दें कि यहां करीब 150 वर्षों से मेला लगते आ रहा है और हर साल रावण दहन भी किया जाता है। मेला कमेटी के महासचिव दिलीप भगत ने बताया कि CTS प्रशासन मेला लगाने से रोक रहे हैं, जिसको लेकर आज DM से वार्ता की गई। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर CTS में लगने वाले मेला को लेकर चर्चा की। मेला कमेटी की बातों को सुनने के बाद DM ने भरोसा दिलाया कि पूर्व की तरह मेला लगाने और रावण दहन की अनुमति दी जाएगी। शिष्टमंडल में पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भावेश यादव, महासचिव देवाशीष बनर्जी, अशोक राय, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, रामलीला कमेटी के रविंद्र भगत, दिलीप भगत, नीरज भगत, हरि भगत समेत कई लोग मौजूद थे। ये जो CTS के मैदान में 200 साल पुराना इतिहास रहा है, यहाँ रावण वध विजयादशमी के दिन होते हैं, जो यहाँ 50,000 से ज़्यादा भीड़ होते हैं। और ये हमारे जो प्रिंसिपल यहाँ के जो आए हैं उनको जानकारी नहीं है, वो जगह देने में थोड़ा इधर, अरे रावण वध होता है, जो हमको पूर्ण की बाती मिलता है उतना जगह चाहिए, उसमें उन्होंने नहीं जानकारी रहने के कारण तो हम सब जिलाधिकारी महोदय के पास आज पूजा समिति और हमारे रामलीला कमेटी जिनके द्वारा जो है ग्राउंड को अवेलेबल नहीं किया गया था। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उन्होंने कहा कि आप सब मेला लगाइए, जहां तक आपका हर साल मिलता है वहां मिलेगा। जिलाधिकारी महोदय ने प्रिंसिपल को भी कहा और मेला धूमधाम से होगा, जैसे रावण वध होते हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर नवल चौधरी जी, हमारे SP साहब आनंद जी, हमारे SDO साहब धनंजय जी और हमारे DSP अजय चौधरी जी और राकेश जी, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग पूजा समिति एवं हमारे रामलीला कमेटी को किया और हमारा जो पूजा है रावण वध होगा, जितना हमें जगह मिलता था वो मिलेगा। धूमधाम से नाथनगर में रावण वध होगा। पूजा समिति के सारे लोग, हमारे पूजा समिति के टीम और हमारे प्रशासन के लोग और हमारे रामलीला कमेटी रह के शांति सद्भाव भाईचारा से रावण वध होगा। पूजा समिति अध्यक्ष और पूजा बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuleddbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। दुर्गा पूजा को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। भागलपुर में भी जगह जगह पूजा पंडाल और मंदिरों को सजाया गया है। आज शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के सातवें दिन विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर नवरात्र के अवसर पर सिल्क सिटी भागलपुर में उत्सव जैसा माहौल है। दुर्गा पूजा के लिए सजाए गए सभी पंडालों की रौनक बढ़ गई है। शहर के मारवाड़ी पाठशाला, कचहरी चौक, मंदरोजा चौक, ठाकुरबाड़ी, दुर्गा मंदिर, तिलकामाझी, बरारी, सिकंदरपुर, अलीगंज, पर्वती, नाथनगर दुर्गा मंदिर, आदमपुर दुर्गा मंदिर, मिर्जान, कंपनी बाग, मुंदीचक समेत कई स्थानों पर भव्य तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं माँ दुर्गा का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। पूजा काल रात्रि पूजा है। यह माता का उस दिन जो है बलि प्रदान किया जाता है। बलि प्रदान इसलिए करते हैं कि कायिक, वाचिक, मानसिक अगर किसी भी तरह की गलती हमारे शरीर से हुई, हमारे समाज से हुई, तो हम लोग देवी का आराधना कर रहे हैं तो देवी की शक्ति प्रदान हो, इसलिए हम लोग जो है काल रात्रि के दिन जो है भगवती का बलि प्रदान करके उनका उनका जो है प्रतिष्ठा कर करके उनकी आराधना करके हम लोग भी शक्ति को प्राप्त करते हैं।